फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इधर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए क्या दिखा रही हूँ। ये कुकर जा रही हूँ धोने, इसमें खीर, मीठा खीर बनाऊँगी, उसके बाद से भगवान जी को भोग लगाऊँगी। पूजा कर ली हूँ और खीर बनाऊँगी तो भोग लगाऊँगी। चलिए मैं जा रही हूँ इसको धोने, कुकर को जा रही हूँ धोने। देखिए धो ली मैं कुकर को। ठंडी नहीं लग रही है? जा रही हूँ रखने। गुड़ डालूंगी कुकर में और चावल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। देखिए इसमें गुड़ चावल डाल दी हूँ। अब जा रही हूँ इसको रखने गैस पे। ये वाला कुकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ढक्कन लगा दी, देखिए देखिए रख दी गैस पे। पढ़ाई चालू हो गया है तुम्हारा? हाँ, अरे चालू हो गया। चलो मैं दे रही हूँ मोबाइल। चलिए फ्रेंड, बाबू का स्कूल का टाइम हो गया है। देखिए 9:15 पर स्कूल चलने लगता है, 9:30 हो गया है। मैं वीडियो बना रही थी इसलिए नहीं ये पढ़ रहा है बाबू। मैं मीठा खीर बना के भोग वोग लगा के और इधर जा रही हूँ मसाले वाला दाल बनाने। सिंपल सादा बनाऊँगी। हींग, जीरा, मिर्चा, लहसुन, तेज पत्ता है, हम लोग का दाल खाए कितना ज़्यादा दिन हो गया था, तो आज हम लोग सोचे थोड़ा मसाले वाला दाल बना के खा लिया जाए। मेरे घर में सबसे ज़्यादा दाल बनता है। मेरे बाबू का, इसके पापा का, दोनों जाने के दाल फेवरेट है। मुझे उतना फेवरेट नहीं है दाल, मुझे सब्ज़ी अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ का मसाले वाला सब्ज़ी अच्छा लगता है। तो ये मेरा, इनका फरमाइशी है कि ये मसाले वाला दाल बनाइए। रोटी बनाऊंगी, दाल रोटी। मेरे पास जितना है सामान उतना ही डाल के बना रही हूँ। जितना अभी तो इसमें अदरक और टमाटर, धनिया ये सब पड़ता है, पर मेरे पास नहीं है, जितना है उतना ही से बना रही हूँ। देखिए प्याज भुना गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे। धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाला पकाएंगे। ये छोटा सा कुकर है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरता है दाल, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तब रखना पड़ेगा, नहीं तो गिरेगा। देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, अब इसमें दाल डाल दूँगी। चना अरहर दाल है, दोनों है मिक्स होगा। निकालो जल्दी, हाँ धोए हो? हाँ धो चुका है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे दाल को मसाले के साथ। देखिए दाल भी भुना गया है, तो पानी डाल दे रही हूँ।
थोड़ा सा और डाल, इसमें ज़्यादा पानी डालूंगी ना तो दाल गिरने लगेगी, इसलिए थोड़ा सा डाल ले रही हूँ। जब पक जाएगा तब गरम करके डाल दूंगी। पकड़ना मोबाइल, ये गैस खत्म हो गया है, खाना बनाते बनाते गैस खत्म। ये कहिए कि दाल बन गया था तभी खत्म हुआ, दाल के वो गैस जब बंद करी वैसे थोड़ी देर बाद में गैस खत्म हो गया। दाल तो खूब अच्छा बन गया है, इधर रोटी बना, इस वाले गैस पर मैं रोटी सही से नहीं बना पाती हूँ, लगता है कि अभी गिर जाएगा तावा नीचे। और ये लास्ट वाली रोटी है, देखिए दाल बन गया कितना अच्छा बना है। अब हम लोग जा रहे हैं खाने, बबू लेके आ जाना अपना वाला, धूप में बैठ के खाएंगे, धूप में अच्छा लगता है खाना खाने में, हम लोग यहीं पर खाते हैं रोज, आप लोग भी आ जाइए खाने। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। कितना दिन के बाद दाल मिल रहा है? आधा महीना हो गया। अच्छा लग रहा है? कितना मस्त बना है, गाढ़ा गाढ़ा। कैसा लग रहा है? मस्त है एकदम। होटल का भी फील होटल का भी फेल हो गया है। अभी टमाटर वमाटर नहीं डाली हूँ, धनिया नहीं डाली हूँ, अदरक नहीं डाली हूँ। चलिए मिलेंगे खाना खाकर। सर देखिए क्या हो गया, ये सूजी, खुला सूजी मैं नहीं लाती हूँ, पैकेट वाला लाती हूँ, इसमें कीड़े पड़ गए हैं लग रहा है। उस डिब्बा में रख देती हूँ, अंदर डिब्बा है, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और इसको निकाल के साफ करूँगी। अंदर रहता है तो थोड़ा निकालने में परेशानी होती है, इधर हाथ भी नहीं जाता है जल्दी से। इसमें सामान रखी हूँ जो मतलब डिब्बा में नहीं रख पाती हूँ, उसी में रख देती हूँ, पन्नी में बांध के जा रही हूँ साफ करने। देखिए कितना गंदा दिख रहा है, इसको धूप में जो ख़राब होने वाला होगा। मिर्चा को भी धूप में रखना, ले चलो छोले वाले, वो छोले वाला चना जो वाइट वाला चना आता है, वाइट वाला चना भी है और राजमा भी है। इसमें देखूंगी कीड़े होंगे तो इसको फेंक दूंगी, गाय को दे दूंगी, नहीं होंगे तो यूज में ले लूंगी। इसमें देखिए ये सूजी है, पैकेट वाला नहीं, मैदा है, पैकेट वाला मैदा में लाती हूँ और सूजी भी है। हाँ सब ले चलो धूप में, ये सारा साफ कर लूँगी। तो गैस ख़त्म हो गया है, अभी तक भूख भी नहीं हुआ है। गैस, इसके पापा का नंबर है गैस वाले के पास, मेरा रहता तो अभी तक कर देती, अभी इसके पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, गए हैं ड्यूटी। मैं ढक्कन को धो दूँ, बाल्टी लेके आ, बाल्टी को भी धोना है। इधर मैं डिब्बा को साफ कर रही हूँ, बहुत गंदे हो गए थे, और इधर भी मिट्टी उट्टी पड़े रहते हैं, इसको भी साफ कर दे रहे हैं। बहुत मिट्टी आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से इतना मिट्टी आता है। डिब्बा को रख दे रहे हैं, सारा डिब्बा को, सब डिब्बा पोंछ दी हूँ। ये कपड़ा से कपड़ा भिगो के रखी थी, इसी से पोंछ दी। डिब्बा साफ करके अब इधर मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन पड़ा रहता है बाहर तो देखने में बेकार लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी से धो के रख दूँ। खाना खा के तुरंत मैं बर्तन धोने लगती हूँ,
क्योंकि बाहर पड़ा रहता है तो कोई भी आता जाता है तो देखता है तो बेकार लगता है। जा रही है, सारा सामान रख देने डिब्बा में, इसमें कीड़ा हो गया है, इसको गाय को दे दूंगी, सारा सामान इसी में रख दूंगी, इस पन्नी में, बड़ा वाला है ना इसी में, और डिब्बा में रख दूंगी, डिब्बा में इकट्ठा पड़ा रहता है। देखिए पैक करके रख दीजिए, इस बाल्टी में रख दूंगी। ये चीनी को नहीं रखी हूँ इसमें, क्योंकि मैं इसके अंदर बांध के रख देती हूँ, मुझे लगता है चीनी ख़त्म हो गया और जाके चीनी खरीद के लाना पड़ता है। ऊपर रहेगा तो ध्यान दूंगी कि हाँ चीनी है, तो खरीदने नहीं जाऊंगी। इसको ढक्कन लगा कर रख दूँगी, बोरा को फोल्ड करके रख दे बाबू, इधर रख दूंगी। छोटा सा रूम है, इसी में सब मैनेज करके रखना पड़ता है। देखिए ये वाइट वाला वो है मटर है, ये गिर रहा है। अरे राम जी, देखिए फ्रेंड मम्मी अंडा बना रही है, आ जाइए आप लोग भी खाने, मसाला भून रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी खाने। ये अंडा है 5, पानी थोड़ा सा कम था, मसाला भूनने के लिए डाल रही हूँ। प्याज गला नहीं है, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, अब जा रहे हैं सोने। देखिए कितने बजे है, 8 बजने वाला है, 15 मिनट कम है। हम लोग बहुत जल्दी खाना वाना खा लेते हैं, अब मतलब सोएंगे तो अभी नहीं, टीवी देखेंगे और 10 बजे जाके सोते हैं। खाना खा लेते हैं बहुत पहले और सोते हैं 10 बजे, टीवी देखते हैं। इधर बाबू पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, गुड नाइट। चलिए फ्रेंड, मिलेंगे कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।